वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज का टॉपिक जो हमारा है अभी का, क्योंकि इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले आप समेत मुझ समेत बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ का शिकार है। हम अपनी गलतियां जो होती हैं, अपनी नाकामियां जो होती हैं, उसका मलबा सारा दूसरों पे डाल देते हैं। कभी हम हालात पे कह देते हैं, कभी उस फलाने को कह देते हैं, कभी फलाने को कह देते हैं, जब ये नहीं मैं कर सका उसकी वजह से, वो नहीं किया उसकी वजह से, और ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं आकर हमारी अपनी ज़ात पे ही अफेक्ट करती हैं, हमें इम्पैक्ट डालती हैं। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि दूसरों पे जो हम ब्लेम करते हैं वो किस हद तक ठीक है या किस हद तक हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। उस पे डिस्कशन के लिए हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ में राइटर भी हैं, अली अब्बास साहब, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अली अब्बास साहब, चूंकि अभी मैंने आगाज़ ये किया कि हमें हमेशा दूसरों को ब्लेम करने की आदत है, अपनी नाकामी है, अपनी गलती है, चाहे वो हालात को कह दें, किसी फैमिली मेम्बर को कह दें, सारे सर्कमस्टांसेस को हम कर देते हैं, किस हद तक ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। इसका जो रीजंस हैं वो तीन चार जो मैंने रीजंस इसके आइडेंटिफाई किए हैं, एक तो माशरे में इंसान की अपनी ज़िंदगी में मकसदियत का ना होना, पहला जो है ना वो रीज़न है इसका, और उसकी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ क्या है, ये दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न है, और तीसरा रीज़न ये है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो लोगों के साथ कितनी ज़्यादा उसने लगाई हुई है। चौथा इसका रीज़न है कि वो उसकी लाइफ में हैप्पीनेस और प्लेयर कितना है। ये तीन चार बुनियादी रीज़न है, और मैं अपने उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब के कॉल से इस गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वो फरमाते हैं कि परेशानियाँ जो हैं वो हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती हैं। तो अगर आप इंसान अगर दूसरों पे जब ब्लेम करता है ना, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे फेंक देता है। हाँ। वो ये कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, दूसरा रिस्पॉन्सिबल है इस सिचुएशन का, हम बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एस्केप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे फेंकना चाहते हैं। अरमला, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो सोसाइटी भी उनको बुरी लगती है, उनको जो सियासी हालात हैं वो भी बुरे लग रहे होते हैं, उनको जो माशरे में जो मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी वो उनको बुरी लग रही होती हैं। अच्छा, जो दूसरी तरह के जो लोग होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बुराइयाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, महंगाई है, हम इसमें अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ना दोनों में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने जिक्र किया ना ब्लेम का। अच्छा, ब्लेम का और बीमारी का ये आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब लोग दूसरों को ब्लेम करना शुरू करते हैं तो वो आखिरकार उनसे लोग कतराना शुरू हो जाते हैं और उनसे लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जैसे लोग पीछे हटते हैं वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में जितनी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग्स आएंगी, उसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको वीक करती है। जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ, आप पे बीमारियां जो है वो अटैक करना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जो लोग जितने ज्यादा पॉजिटिव थिंकर्स होंगे, वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से इंजॉय भी कर सकते हैं और वो लोग उनके साथ जुड़ते भी हैं। एक और इनकी आपको बात बताऊं, इनको बोलने की बहुत ज्यादा आदत होती है। जो ब्लेमर्स होते हैं ये सुनते कम हैं और बोलते बहुत ज्यादा हैं। जब इंसान कुछ ना कुछ बोल रहा होता है ना, तो उसकी लाइफ में उसके इल्म में इजाफा नहीं होता। उसके दिमाग के अंदर जो मटेरियल होता है वो उसी को अदा कर रहा होता है। इंसान के इल्म में इजाफा तब होता है जब वो दूसरों की बात सुनता है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के अपने आप को परखता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरों की सिचुएशन में अपने आप को परखने वाली बात तो एक आपकी बिल्कुल जेन्युइन है। समटाइम्स हम दूसरों के तजुर्बात को भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी कर लेते हैं। मतलब किसी का अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस है, अभी हमने उस चीज को एक ट्राई नहीं दी है, बट हम सोचते हैं फलाने का एक्सपीरियंस के बारे में बड़ा बुरा था तो हमारा भी बुरा ही होगा, और अगर हमने अगर किसी ने हमें रिकमेंड कर भी दिया कि आप ये तरीका कर ले ट्राई, लेकिन हम उसको कह देंगे तुम्हारी वजह से ये हुआ। मेरी जिंदगी का ना एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, एवरी एक्सपीरियंस इनरिच योरसेल्फ। आपको ना एक्सपीरियंस से खुद गुजरना चाहिए और आपको जिंदगी में ना तमाम एक्सपीरियंस करने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो लोग जितने ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं उनका एक्सपोजर, इल्म और विजडम उस बंदे से ज्यादा होता है जो एक रूटीन की लाइफ गुजारता रहता है। इसीलिए एक्सपीरियंसेस करने में आपने जब अपना हैप्पीनेस लेवल को जब इंक्रीज करना है, प्लेयर लेवल को इंक्रीज करना है, तो आपने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करनी है, पॉजिटिव जो लोग हैं उनके साथ अपने मुलाकात ज्यादा रखनी है, मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ जगहों पे। जब आप ये तमाम जिंदगी में काम मुख्तलिफ करते रहते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, आप एनर्जेटिक रहते हैं। तो जितनी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी हाई होती है, उतने ही आप रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझना शुरू हो जाते हैं, समझना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी हम अब जो बात करें कि ब्लेम गेम, ये जो हमारा एक बड़ा टिपिकल सा अंदाज होता है, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, हम हर केस में
دوسرے کو بلیم کرنا جانتے ہیں. پروفیشنل لائف میں اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم دوسرے کو کہہ دیں گے اچھا اس کی وجہ سے ہوا, اس نے کچھ کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا. پرسنل لائف ہے, کبھی فیملی کو اگر ہم اپنا پیشن نہیں پرسو کر پا رہے, اپنا کریئر نہیں پرسو کر پا رہے, تو کبھی ہم پیرنٹس کو کہہ دیں گے, کبھی بہن بھائیوں کو کہہ دیں گے, کسی کو بھی. ہم نے ہر طریقے میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈا ہوا ہے دوسروں پہ ڈالنے کے لیے. غصہ اور فیئر یہ دو بنیادی اس کے عنصر ہیں, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ زندگی میں یا وہ پاسٹ میں زیادہ زندگی گزارتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں یہ یہ تکلیفیں یہ یہ پریشانیوں سے میں گزرا, یا اس کو فیوچر کا فکر ہوتا ہے. جو لوگ زندگی میں پریزنٹ میں رہنا سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے یہ مسائل زیادہ نہیں آتے, کیونکہ جو ہماری اس وقت کی زندگی ہے وہی ایکچوئل زندگی ہے. اور انسان کے جو ایکچوئل جو انسان کی جو کل کائنات ہے وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہے. اگر آپ اس کو کسی طریقے بہتر طریقے سے گزار سکیں, کیونکہ ہم جب آپ دوسروں کی طرف جب ہم زیادہ توجہ رکھتے ہیں کہ وہ خرابی ہے یہ پرابلم ہے, تو ہم اپنی طرف توجہ نہیں کر پاتے. پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہم بلیم گیم میں آتے ہیں, تو اس بلیم گیم میں ہم اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں, اپنے اندر جو ویکنیسز ہیں, جس کو ہم ایک ایک کر کے کترہ کترہ کر کے لمحہ بہ لمحہ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, وہ نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ہماری ویسے ہی زندگی گزرتی ہے اور ہم فرسٹریشن سٹریس اور انزائٹی میں زیادہ رہتے ہیں. مجھے بلیم گیمز نے بڑا ایک خوبصورت واقعہ یاد آ گیا. اٹالی میں پیسا ٹاور جب بنا تو اس کو نا 199 سال لگے بنتے ہوئے. جب وہ بنا تو وہ آہستہ آہستہ نا ٹلٹ ہونا شروع ہو گیا, تو اس پہ کیس ہو گیا. ان کو نا دونوں نے آرکیٹیکٹس اور ٹیم کو بلا لیا. انہوں نے کہا جی اس کا رسپانسبل کون ہے؟ پہلا آرکیٹیکٹ کہتا ہے جو بیسمنٹ والا کام ہے نا وہ اس شخص نے کیا تھا. جب دوسرا کہتا ہے جو بیسمنٹ والا کام اس شخص نے کیا تھا, میں نے تو اوپر والی منزل بنائی تھی. بہرحال اس کیس کا فیصلہ نہ ہو سکا. ایسے ایسے وقت گزرتا رہتا ہے اور جیسے ہی جیسے وہ ونڈر آف دا ورلڈ بن جاتا ہے, تو جیسے ونڈر آف دا ورلڈ مطلب پھر دونوں آرکیٹیکٹس کلیم کرتے ہیں کہ جو بیسمنٹ ہے نا وہ میں نے خود بنائی. جب انسان کی زندگی میں کوئی بہتری آتی ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں نے کی ہے. جب کوئی برا کام آتا ہے وہ دوسروں پہ لگاتا ہے. آفیسز میں آرگنائزیشنز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جب آپ کسی بہترین آپ کو کوئی اچیومنٹ آتی ہے تو باس کے سامنے فوراً سے آپ خود لے کے چلے جاتے ہیں, یہ تو میری وجہ سے ہوا تھا, یہ میری وجہ سے ہوا ہے. جبکہ اگر آپ دوسروں کو کریڈٹ دیں تو اس کا بینیفٹ آپ کو لانگ ٹرم زیادہ ہوتا ہے. لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا کام پھر پرسنل لے کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کام تو سارا میں نے کیا ہے اور باس کے سامنے کریڈٹ یہ لے کے گیا ہے, اگلے پروجیکٹ میں وہ آپ کے ساتھ اس طرح جان نہیں ماریں گے, اس طرح آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی جو الزام تراشی کی ہم بات کر رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اپنے نیگیٹو تجربات یا اگر خدا نہ خواستہ ان کا کوئی برا ایکسپیرینس ہے وہ اس کا الزام خود کو بھی دینے لگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک کیس سامنے آتا ہے نا کہ آپ اپنے ہر بری چیز چاہے دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے آپ اس کو اپنے آپ کے لیے بلیم کریں گے. خدا نہ کر سکے کسی کے گھر میں کوئی ایشو ہے, وہ کوئی پرابلم ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو بلیم کر کے کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا تو یہ سارا معاملہ ہوا. یہ بھی اسی کی ایک, دیکھیے جو بھی پرابلم ہوا ہے نا اگر آپ اس کو پازیٹو صرف لے لیں اور اس کو لرننگ پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں کہ میں نے اس سے لرن کر کے اب آگے زندگی گزارنی ہے. جو ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے میں اس کو ماضی کو کوئی دنیا میں شخص بدل نہیں سکتا اور فیوچر کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ کا بیہیویئر لرننگ ہے تو وہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ کا جو بیہیویئر وہ بلیمنگ ہے وہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ ہمارے ساتھ علی بات صاحب تو موجود ہیں, اتنی زبردست باتیں بتا رہے ہیں کہ الزام جو دوسروں کو ہم دیتے ہیں کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. اب ذرا تھوڑی میوزک کی بھی بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلنٹ نے جو کہ ہے شعبان مشتاق. ویلکم ٹو دی شو شعبان, کیسے ہیں؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار میلا فار کالنگ مین دی شو. تھینک یو سو مچ. شعبان کیا سنانے والے ہیں آج؟ اچھا میں آپ کی ٹریک سناتا ہوں, جواد احمد کا بن تیرے کیا ہے جینا. ٹھیک ہو گیا. بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے جینا. میرے دل کی رانی تم, میری خوشیوں کا موسم, میرے خوابوں کی تعبیر, میرے سپنوں کی تصویر. بن تیرے کیسی یار وہ جیت ہو یا ہار, تیرے سنگ ہے سب کچھ, تو نہ ہو تو بیکار. بن تیرے کیا ہے جینا.
जबरदस्त। अच्छा अली बस आप ही जाने दोबारा से आएंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे ब्लेम गेम और ये सारे जो मामला थे ये चलते रहते हैं जी। अब कुछ हमें काउंसलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है जिंदगी के हर मोमेंट पे, चाहे हमें अपने सेल्फ मोटिवेशन भी चाहिए होती है, कभी कभी कोई हमारे किसी की कोई बात ऐसे क्लिक कर जाती है और हम कहते हैं कि हम बहुत मोटिवेटेड भी हो गए, वो मोटिवेशन या वो काउंसलिंग आप कहाँ से हम कर सकते हैं? बड़ी अच्छी बात की आपने। सबसे पहले मुझे आपका ये सेगमेंट बड़ा अच्छा लगा जिसमें आपने इवेंट्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे जो माशरे में अगर आप नजर दोहराए तो हमारे पास जो एंटरटेनमेंट है ना वो बट कढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ जो है ना हम जब खाने के अलावा हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है, खाना सिर्फ जो है वो पेट में जाता है और वो और जब भी घर में किसी ने कोई आउटिंग करनी हो कोई एंटरटेनमेंट काम है चलो जी खाना खाते हैं बस यही होता है। और मैं आपका टीवी का बड़ा एहसान मंद हूँ कि आपने जिस तरह की जो एक्टिविटीज अभी आपने दिखाई हैं, जैसे मूवी का दिखाया आपने, जो बाकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही हैं, एग्जीबिशन हैं, और मजे की बात यह कि मैं आपके स्टूडियो से वापसी पे मैं खुद जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए। जैसे ही आप मूवीज देखते हैं और मोटिवेशन लेक्चर्स अटेंड करते हैं, मुख्तलिफ लोगों जो ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कंपनी में बैठते हैं और खास तौर पे टूरिज्म करते हैं, जैसे ही आप ये चार पांच एक्टिविटीज अपने आप अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, यू मेक एलिवेटेड योरसेल्फ। आप एलिवेटेड महसूस करते हैं, आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं। अगर आप रूटीन लाइफ में रहेंगे हर वक्त, आपने खाने खाने हैं और आपने घर बैठना है, तो वो आपके अंदर एक ओबेसिटी भी क्रिएट करती है और आप में जो फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, वो स्ट्रेस है, उसको भी इंक्रीज करती रहती है। अच्छा हमारे पास एक कॉलर है, अहमद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अहमद क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, शुक्रिया। कोई इस टॉपिक के हवाले से कोई बात आप करना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल जो नक्शा नक्शी का जो दौर है ना, ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसलिए लोगों के पास एक दूसरे के पास बैठने का, एक दूसरे से मिलने का टाइम नहीं है, जिसकी वजह से थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मोहम्मद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि टाइम की शॉर्टेज है और हमें क्लोजिंग की जाने भी बढ़ने, एक छोटा सा मैसेज आपकी बस मैं मोहम्मद अहमद साहब को ही देता हूँ मैसेज जी। जैसे इन्होंने कहा ना कि अफरा तफरी का दौर है, किसी के पास किसी के पास बैठने का टाइम नहीं है, मेरी इनसे गुजारिश है कि ये बैठना शुरू कर दें। अरे जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आपका भी सवाल, आपकी एक बात के जवाब लास्ट में, इशफाक अहमद साहब की एक दफा किताब पढ़ा था, उसमें वो कहते हैं कि अफरा तफरी के आलम से, तो एक दफा ना वो बुलडोजर जो होता है ना, उसके ऊपर आप बहुत रोड बनाते हैं, वो ना उसके ऊपर बैठ गए और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गए रोड की। तो वो कहते हैं कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा था और मैंने तमाम अपनी विसिनिटी को बड़ा एंजॉय किया। यानी हम इतनी दौड़ में बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द को भी एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब। इजाजत लेंगे इंशाल्लाह, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल हमारा बेस्ट ऑफ जरूर चलेगा। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, फेसबुक पर हमारा पेज है जागो लाहौर के नाम से, और इनके साथ शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़।